हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूँ और आई थिंक करवा चौथ आने वाला है। चार से पाँच दिन बचे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप करवा चौथ में अपना शादी का लहंगा पहने, शादी का ब्लाउज पहने, फैट जल्दी से बढ़ो, यानी कि करवा चौथ में आप स्लिम दिखो, लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएं कि किस तरह से आपने सिर्फ चार पाँच दिनों में अपनी बॉडी को टोन किया है। तो आज मैं इसी पे बात करने आई हूँ कि करवा चौथ पे देखिए, फेशियल अलग चीज़ है, मेकअप अलग चीज़ है, बालों की डिज़ाइन अलग चीज़ है, मेहंदी अलग चीज़ है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैटर करता है कि आप स्लिम कितने दिख रहे हो, टोन कितने दिख रहे हो, आपको शादी का लहंगा फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लाउज आपको फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज मैं सुगम आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से शादी के लहंगे में एडजस्ट होइए, दुबले दिखिए, बॉडी को टोन दिखाइए। तो कुछ चीज़ें, एक तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी जिनको आपको 5 से 6 दिन करना है। देखिए आज सैटरडे है और मैंने सैटरडे को ये वीडियो अपलोड किया है और आपके पास है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे को तो है ही है, यानी कि 4 से 5 दिन है आपके पास। 4 से 5 दिन में आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लींज करना है, पूरी तरह से साफ करना है, तभी आप पूरी तरह से स्वस्थ हो पाओगे, सुंदर दिख पाओगे और बॉडी टोन हो पाएगी। 3 से 4 चीज़ें मैं बताऊंगी। एक बहुत ही इफेक्टिव सा ड्रिंक बताऊंगी जो वेट लॉस करेगा, साथ ही साथ 2-4 चीज़ें और बताऊंगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुबह मॉर्निंग में क्या करना है। जो मैंने आप लोगों को त्रिपला वाला बताया था उपाय, वो करना स्टार्ट कर दीजिए मॉर्निंग में सबसे पहले, 4 से 5 दिन वो करिए। देन उसके बाद अभी जो मैं ड्रिंक आपको वीडियो में आगे बताऊंगी वो आपको हर खाने के बाद लेना है। आप जब ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद लेना है, लंच करेंगे उसके बाद लेना है, ड्रिंक लेंगे उसके सॉरी डिनर करेंगे उसके बाद लेना है। दिन में 3 बार वो आपको ड्रिंक ले करना है। साथ ही साथ आपको कुछ हेल्दी खाना है, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मॉर्निंग में आप क्या करिए, चने खा लीजिए या फिर आप ओट्स खा लीजिए, मींस करके कि 4 से 5 दिन आप थोड़ा सा ऑयली, शुगर, ये चीज़ इन चीज़ों को छोड़िए। लंच में आप 2 रोटी, थोड़ी सी दाल ले लीजिए या फिर आप दही का रायता ले लीजिए या फिर आप मतलब कि इस तरह करके जो आप प्रेफर करते हो, सैलड ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, इस तरह से करके आप लंच ले सकते हो। इवनिंग में आप मखाने को विदाउट ऑयल रोस्ट करके हल्का सा नमक डाल के वो आप ले लीजिए। नाइट में 7 बजे तक आप सिर्फ पपाया लेंगे, सिर्फ 4 से 5 दिन आप करना है। और ये ड्रिंक के साथ अगर आपने इस चीज़ को जो मैं बता रही हूँ कर लिया तो फ्रेंड्स आप मानेंगे नहीं कि लहंगे में आपके कमर, लहंगे में आपका फिगर कितना ज़्यादा उभर के आने वाला है। सिर्फ 3-4 दिन की बात है। अगर आप मेहंदी लगवाने पे इतना पैसा खर्च करोगे, मेकअप में इतना खर्च करोगे, इतनी सारी तैयारी करोगे, तो अगर इस चीज़ को अगर आपने नेगलेक्ट कर दिया तो मज़ा नहीं आएगी। इसलिए मैंने अभी से फटाफट से ये वीडियो बनाई। वैसे ये टॉपिक मैंने रखा बहुत पहले था लेकिन पता नहीं मुझसे कहाँ मिस हो गया, तो इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। तो वो ड्रिंक भी अभी मैं बताऊंगी किस तरह से करना है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये करके दिखाना है, ये आपको करना है। 4 से 5 दिन में आपको फिट होना है और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने 2 से 3 किलो वज़न कम किया है 3 दिनों में, साथ ही साथ आपका बॉडी फैट कम होगा, कमर स्लिम होगी। अगर ये डाइट जो डाइट मैं बता रही हूँ इसके साथ उस ड्रिंक को कम लिया तो आपके कट्स आएंगे कमर के पास और आपको लहंगा बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। तो मतलब कि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, एक बार वीडियो को पीछे ले जाइएगा, फिर सुनिएगा कि मैंने क्या कहा है, देन उसके बाद फिर आगे आइएगा। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। जो लोग एग खाते हैं वो मॉर्निंग में 2 बॉयल्ड एग लेंगे, पीला वाला हिस्सा निकाल के। कोशिश करिएगा कि अगर एग खा सके ज़्यादा से ज़्यादा तो एग खा लीजिए। लंच में आप क्या बोलते हैं, ऑमलेट खा लीजिए। तो मतलब इस तरह से करके आपको ऑयल, शुगर, मैदा, समोसा, इन सबसे सिर्फ 4 दिन परहेज करिए और उसके बाद देखिए कि आप किस तरह से अपना वेट लॉस करते हैं। सिर्फ करवा चौथ तक की बात है,
तो करिए, मैं भी कर रही हूँ, मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी अपने जो शादी का है उसमें फिट आऊँ। वैसे तो मैं फिट आ जाऊँगी क्योंकि मैं शादी के समय थोड़ा सा मोटी थी, अभी तो मैं सही हूँ, तो वो मुझे ढीला ही होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो की तरफ बढ़ते, फटाफट से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको हाफ लीटर पानी चाहिए और ये आपको फ्रेश ही बनाना है, इसको आप बना के नहीं रख सकते हैं। और इसके बाद आपको चाहिए जो लूज वाली ग्रीन टी नहीं होती है, दो तरह की ग्रीन टी आती है, एक पैकेट में आती है सैशेट वाली, एक खुली ग्रीन टी आती है, तो आपको खुली वाली ग्रीन टी लेनी है। बिकॉज खुली वाली जो ग्रीन टी होती है स्पेशली उसे रात में प्रेफर की जाती है, बिकॉज ये करवा चौथ की मैंने आपको ड्रिंक बता रही हूँ जो बहुत तेज़ी से वेट लॉस करेगा, तो ये खुली वाली ग्रीन टी आपकी कैलोरीज़ को बहुत तेज़ी से मेल्ट करेगी। तो आपको 2 टेबल स्पून खुली वाली ग्रीन टी लेनी है, मैं ऑर्गेनिक इंडिया की ले रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसे इसीलिए ही बनाया गया है और प्रेफर भी इसीलिए ही करते हैं डॉक्टर्स कि इसे रात में लीजिए, दिन भर मत लीजिए। तो इसीलिए मैं आपको इसे दिन में बता रही हूँ, दिन में 3 बार आपको इसे लेना है और इसे आपको बॉयल होने देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसी का पार्ट 2 भी लेके आऊँगी कि किस तरह से सिर्फ एक पोटली के थ्रू आप जो है अपने बॉडी के आसपास की, कमर के आसपास की फैट को बहुत तेज़ी से मेल्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको जो जूसी वाली जिंजर होती है, बेबी जिंजर जिसको बोलते हैं, नॉर्मल अदरक ही बोल लीजिए आप, लेकिन ये ध्यान रखिएगा उसमें जूस वाली होनी चाहिए, वो आपको 1 इंच का टुकड़ा इसमें डालना है और इसे बॉयल होने देना है। बॉयल इन द सेंस कि 1 से 2 मिनट तक, जब तक सारे एक्सट्रैक्ट ना आ जाएं, वो आपको एक नींबू बड़ा, अगर छोटा आपको है उसमें रस नहीं है तो आप 2 लीजिए 3 लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि रस 3 to 4 टेबल स्पून आ जाए अच्छा खासा, वो नींबू लीजिए और आपको उसे बीज से हटा के जार में डालना है। और ये ध्यान रखिएगा कि 1/2 लीटर से कम ना हो और आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर के 20 मिनट बाद आपको ये ड्रिंक लेना है, क्योंकि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा उसके 20 मिनट बाद आप इस ड्रिंक को लेंगे और इसका अमेजिंग रिजल्ट आप 24 घंटे के अंदर ही देखेंगे कि किस तरह से इसका रिजल्ट अमेजिंग होगा आपकी बॉडी पे। कमर बहुत तेज़ी से स्लिम होगी और करवा चौथ तक आपकी बॉडी बिल्कुल टोन हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो चाय है वो पूरी तरह से बॉयल हो चुकी है, इस तो मतलब अच्छे से बॉयल होने दीजिए, सारा एक्सट्रैक्ट उसमें आने दीजिए और 1 से 2 मिनट लगेगा, गैस धीरे करके भी 1 से 2 मिनट पका लीजिए क्योंकि अदरक के भी एक्सट्रैक्ट इस चाय में आने हैं, और गैस को बंद कर दीजिए। ग्रीन टी बॉडी की कैलोरीज़ को, जो भी आपने खाया है उसे बॉडी पे चढ़ने नहीं देगा, अदरक बॉडी को स्वेल होने से बचाएगा, जो भी गंदगी भरी हुई है पानी से आपकी बॉडी ब्लोटिंग है उसे हटाएगा, लेमन फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है तो ये आपकी बॉडी को रिपेयरिंग मोड पे ले जाएगा, जो भी सेल्स हैं ख़राब हुए हैं उनको बहुत अच्छे से, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करेगा आपकी बॉडी पे। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और देखिएगा कि कितना अमेजिंग रिजल्ट है, और आपको जब करवा चौथ वाला ये निकल जाए फिर आप इसे सिर्फ रात में 1 बार लीजिएगा इस ड्रिंक को। तो ड्रिंक मेरा जो है, मेरी चाय जो है बनके रेडी है, शहद वहद कुछ मत मिलाइएगा, थोड़ी सी तीखी लगेगी बिकॉज अदरक है, लेकिन लेमन उसके स्वाद को इन्हेंस कर देगा, यानी कि इन्हेंस मीन्स कि थोड़ा सा सही कर देगा। तो इस तरह से आपको इसे पीना है दिन में 3 बार। सेकंड पार्ट कल लेके आऊँगी कि किस तरह से आप एक पोटली के सेक से अपने पेट को किस तरह से बहुत तेज़ी से कम करें। इस ड्रिंक को आपको क्या करना है, देखिए मॉर्निंग में खाली पेट नहीं लेना है इस ड्रिंक को, आपको इस ड्रिंक को खाली पेट आपको त्रिफला वाला उपाय करना है, उससे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला है लोगों को और अब मैं चाहती हूँ आपको भी मिले, क्योंकि फटाफट बॉडी से गंदगी निकलेगी आपकी, जितनी भी गंदगी और फैट आपने जमा करके रखा है वो फटाक से निकलेगा, तो वो करना है। अगर इसी के साथ आप 1/2 घंटे की वॉक ले लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 10,000 वॉक चल चुकी हूँ, यानी कि 6 to 7 किलोमीटर मैं चल चुकी हूँ, और आप भी कोशिश करिए कि 10,000 वॉक चलिए इन 4-5 दिनों में, वो पूरे दिन में मिला के, जैसे कि मैं क्या करती हूँ मॉर्निंग से इस वॉच को पहन लेती हूँ, पूरे दिन काउंट करती हूँ, रात में 7 से 8,000 हुआ है तो 2,000 में चल के कर लेती हूँ, 10 से 15 मिनट लगता है, तो ये करिए
सारी चीज़ें करिए। ड्रिंक ऑलरेडी बताया हुआ है, बहुत सिंपल सा है। एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो शायद मैं पहले बताना भूल गई थी, कि नाइट में सोते समय भी आपको इस ड्रिंक को लेना है। तो देखिए अदरक किस तरह से बॉडी की स्वेलिंग, गंदगी, नींबू किस तरह से गंदगी, ग्रीन टी किस तरह से आपके जो शुगर जमी पड़ी है आपकी बॉडी में कोनों कोनों में, उसे निकाल के कैसे आपको करवा चौथ वाले दिन बिल्कुल चांद सा टुकड़ा दिखाता है। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।